नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पोस्ट कार्ड पर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स अकाउंट है और हां आपको अगर करना है मोबाइल बैंकिंग तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। शुरू करते हैं पोस्ट कार्ड। दोस्तों सबसे पहले आपके जो आपका पोस्ट ऑफिस है जिस पोस्ट ऑफिस में आपने अपना सेविंग्स अकाउंट खुलाया है वहां आपको एक फॉर्म जमा करना होगा जिसका नाम है SB ATM 1। और ये फॉर्म आपको कहां से डाउनलोड करना है इसका लिंक मैं नीचे दे ही दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना है तो मैंने ATM अप्लाई के दौरान जो फॉर्म यूज किया था वही फॉर्म आपको इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग के लिए भी यूज करना है। तो एक ही फॉर्म है, तो वो फॉर्म मैंने कैसे डाउनलोड किया था आप मेरे पिछले वीडियोस में देख लीजिए, आपको वहां से भी मिल जाएगा। ये फिर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दिया है, तो आप वहां से भी अपना फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए और उस फॉर्म को आप अपने पासबुक के साथ जमा कर दीजिए अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जहां पे आपका अकाउंट है। और आपके मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट हो जाने के बाद आपको क्या करना है आइए देखते हैं हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर आपको जाना है, वहाँ पे टाइप करना है DOP मोबाइल बैंकिंग जो कि मैंने यहाँ पे पहले से टाइप कर रखा है, तो ये खुल जाएगा। मैंने ये ऐप को पहले से इंस्टॉल कर रखा है और इसलिए मैं इसे कर देता हूँ ओपन। अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है इसका मतलब है आपको इंस्टॉल करना है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको नीचे जाना है एक्टिवेट मोबाइल बैंकिंग पर। आपके पासबुक में जो CIF नंबर होता है वही आपका मोबाइल बैंकिंग का यूज़र नेम भी होता है, तो यहाँ पे आपको अपना CIF नंबर को ही यूज़र नेम हिसाब से डालना है। फिर आपको डालना है आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर, फिर दोबारा आपको अपना CIF ID यहाँ डालना है। तो मैं चलिए फटाफट अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ और उसके बाद मैं डाल लेता हूँ, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, उसके बाद मैं डाल लेता हूँ CIF ID और उसके बाद मैं कर देता हूँ एक्टिवेट। तो उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ जाएगा आपको एक OTP। तो मेरा OTP मेरे मोबाइल में आ चुका है, मैं अब मेरा OTP यहाँ पर डाल के एक्टिवेट कर देता हूँ। फिर आपको बस अपना MPIN सेट करना है, मैंने अपना MPIN सेट कर दिया, फिर आपको दोबारा कन्फर्म करके सबमिट और दैट्स इट, यू हैव एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो देखिए ये मैसेज आपको आ गया और आप अभी एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हो। तो आपको यूज़र नेम आपका CIF ID लगाना है और उसके बाद अपना MPIN डाल के कर लेना है लॉगिन। तो ये कर दिया मैंने गो और ये खुल गया मेरा मोबाइल बैंकिंग। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को और प्रमोट कीजिए और आप जिस तरह से अभी तक प्यार देते आ रहे हैं उसी तरह से प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पोस्ट।